वेलकम बच्चों, या तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम बच्चे समझ नहीं पाते और कर नहीं पाते, मतलब कि कर दिया तो मीनिंग नहीं पता और मीनिंग पता है तो कर नहीं पाते, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं किस लिए हूँ, प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा आज, दिक्कत नहीं हुई। अरे माइक तो नहीं हिल गया मेरा, नहीं। चलो भाई सर इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो सर, पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसके सॉल्यूशन में। बच्चे कहेंगे बॉक्स, कोई बात नहीं सर। हाईएस्ट पावर 4 है, डिग्री 4, नंबर ऑफ फैक्टर 4, नंबर ऑफ रूट्स 4। तो सर अभी कितनी है, 1, 2, तो बची कितनी है, 2। अब ये जो लिखा है इफ प्रेजेंट, इसका मतलब बची तो है, क्लियर। ओके सर, अब सर मैं जरा ना आपको लिख के दिखाता हूं। ये देखो इज इक्वल टू, अब आप बताना सही है कि नहीं, कमेंट कर देना, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी। देखो भैया मैं दुनिया का कोई भी फैक्टराइजेशन मेथड लगाऊं जो मेरे को पसंद है, हिट एंड ट्रायल, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, वट एवर आई वॉन्ट, सर जी इस रिजल्ट में मैं लास्ट में जरूर पहुंचूंगा, तो क्यों ना इसको पहले ही लिख दिया जाए। बिल्कुल लिख दिया जाए सर। ए देखो, ध्यान से देखो तो सर, ये रहा ए, ये रहा बी, क्लियर। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 1, और सर देखो माइनस 2 है ना, अब आप खुद सोचो, माइनस माइनस, तो एक्चुअली में ये प्लस हो जाएगा। सर देखो ये सारी ब्रैकेट्स, देखो फैक्टर का मतलब यही है ना सर, मल्टीप्लाई हो रही हैं चीजें, मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई वाली चीज उधर जाके क्या होंगी, ऑब्वियसली सर डिवाइड होंगी। तो सर अगर डिवाइड होंगी तो आप लिखो इधर एक्स माइनस सी, एक्स माइनस, ये एक्स है भैया, एक्स माइनस डी इज इक्वल टू। काफी बच्चे कहेंगे सर क्या हम ऐसे क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल यूज कर सकते हैं, इसका आंसर है आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन हिट एंड ट्रायल कब तक लगाओगे, पता लगा आपने आधा पौना घंटा ले लिया हिट एंड ट्रायल से, निकला ही नहीं। भैया वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो प्यारी प्यारी हमेशा थोड़ी नाइन्थ में आती थी, बच्चों प्लस वन ले लो, बच्चों माइनस वन ले लो, बच्चों कुछ भी ना आए तो 1/2 ले लो, 2 ले लो, एक दो वैल्यू में ही खेलते रहते थे हिट एंड ट्रायल में, इधर ऐसा नहीं होता, तो ठीक है। ओके सर, अब आप कहना क्या चाहते हो। देखो भैया मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो मल्टीप्लाई हो रही थी दोनों ब्रैकेट, ये डिवाइड होंगी, सिंपल। और तो ये हो गई भैया एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू। अब अगर आप थोड़ा सा समझ पा रहे हैं, एक काम करूं इसको मिटा दूं, हाँ मिटा देते हैं, ये लो भैया बच्चों के लिए मिटा दिया है हमने। अच्छा बच्चों एक सिंपल सी चीज और देखो भैया, अगर मैं लिख देता हूं 20/2 तो बच्चा बोलेगा ऑब्वियसली 10, तो ये 10 का मीनिंग क्या है सर, मीनिंग इसका ये है। देखो अगर 20/2 का मतलब है इधर 20 इधर 2, ये आ गया, तो आप समझते हो सर कोशेंट इज ऑलवेज द आंसर, याद रखना ये मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं तुम बच्चों को। कोशेंट, ये जो मेरा आंसर है इधर किसका काम कर रहा है, ऑब्वियसली सर कोशेंट का। ओके सर क्वेश्चन का काम कर रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो सर आप कहना क्या चाहते हो, देखो भैया इसको लॉन्ग डिवाइड भी तो मार सकते हैं। अच्छा क्या आपको ये ब्रैकेट खोलनी आती है, सर बोल रहे तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग जैसी है, तो चलो मैं तुम्हें ऐसी खोल के दिखाता हूं। देखो बच्चों भैया ये खुलेगी आपकी कितने पे, अरे देखो खोलनी तो मेरे को आती है, एक मिनट इसको मिटा ही देता हूं ताकि मेरे पे ना स्पेस हो जाए बच्चों। तो स्पेस से याद आया सर अंतरिक्ष। अब देखो 1 और -2 ये उधर भी लिखे है ना, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, आपको याद होगा माइनस का सम एक्स, तो सम करूंगा तो सर ये आएगा ऑब्वियसली 1 माइनस का एक्स, तो प्लस का एक्स माइनस का 2, ठीक। काफी बच्चे कहेंगे सर हमें भी सिखाओ। देखो सर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं प्लस का प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2, इन दोनों को ऐड करोगे माइनस 1 और एक यहां पर, तो माइनस माइनस प्लस आ गया, अब आ गया आपको। ओके सर, तो इसका मतलब सर एक्स माइनस सी, एक्स माइनस डी इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा, इनको डिवाइड, तो डिवाइड कर देते हैं। देखो भैया अब मैंने इससे पिछली वीडियो में लॉन्ग डिवीजन बहुत ही प्यार से और बारीकी से सिखाई थी, तो इधर इतनी बारीकी से मैं नहीं बताऊंगा लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। नहीं तो भैया बच्चे कहेंगे सर आप एक ही वीडियो में दो दो टॉपिक को जबरदस्ती एक्सप्लेन कर रहे हो, तो भैया वो चीज है गलत। तो हम क्या करेंगे सर, इसको लिखते हैं, हाँ ये रहा ना
एक्स की, अब इसको 2 मिनट मिटाते हैं। सर देखो सबसे पहले मैं यहाँ लूंगा एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस का एक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर, ये कटा, -4 -1 माइनस का 5x क्यूब -1 -2, ओहो हो हो, प्लस एक्स माइनस 2 था ना, तो सर ये सॉरी ये हो जाएगा -1 प्लस का 2, तो 2 -1 1, ये उतार लिया नीचे, माइनस का 5x, माइनस का 5x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 10x, सर ये आया 6x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 12। अगर मैं इसको 6 पे काटूं, अब ये जो मेरा क्वेश्चन है यही वैल्यू है x माइनस सी एक्स माइनस डी की। ओके सर, देखो बच्चों मैं बीच बीच में वीडियो को थोड़ा फास्ट करता रहूंगा, वो आप समझ सकते हो भैया दिल की बात है। तो अब हम क्या कर सकते हैं सर, सिंपल सी बात है, इसके फैक्टर बनाने हैं, आपको जो मेथड प्यारा लगे वो लगाओ, मैं तो बोलूंगा मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग करूंगा, ठीक है। तो कर देते हैं सर, सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस का मेरा मन है 2 3 6, तो माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6, मिडल टर्म स्प्लिटिंग में डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चों, एक्स एक्स माइनस 2 माइनस का 3x माइनस का 2 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस का 3, एक बार चेक कर लेता हूं, चलो रहन दो। तो सर c इज इक्वल टू 2 आ गया, d इज इक्वल टू 3 आ गया, सर वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या और कुछ भी होता है इनमें झोलझाल? तो इसका आंसर है बिल्कुल होता है। देखो भैया यहां तो आप बोल सकते हो सर ये साफ साफ दिख रहा है माइनस का सी जो है माइनस 2 के बराबर है, इधर साफ साफ दिख रहा है माइनस डी जो है माइनस 3 के बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, सी 2 आ गया डी 3 आ गया। लेकिन कई बार ना ब्रैकेट बच्चों की इतनी सिंपल नहीं बनती, लट से एक ब्रैकेट बन गई ऐसे 2x माइनस का 1, अब बच्चा कहेगा कि माइनस का सी तो सर ठीक है 1, तो सी इज इक्वल टू आ गया -1, जो कि बिल्कुल सही है, वो कहेगा यहां पर 2x है मैं क्या करूं। देखो आपको इतना तो पता है जब आप नंबर ऑफ जीरोस या रूट्स, आप जो जीरोस और रूट्स एक ही चीज होती है, जो भी निकालते हो आप, तो आप पूरे पॉलीनोमियल की वैल्यू को जीरो रखते हो। अगर आप उसको जीरो रखते हो तो इन सारी ब्रैकेट्स की वैल्यू भी तो जीरो के बराबर होगी, और ऐसे में 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा 1 हो जाएगा, देख लो भैया ये, और 2 ये जो हो जाएगा। और एक और चीज है, पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।